हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? एवरीथिंग इज फाइन। वेलकम टू ड्रोन डायरेक्टर वंस अगेन। तो आज हम आपसे बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो है बैटरीज। यस, बैटरीज पे बहुत मुझे ईमेल्स आ चुके हैं कि कैसे मेंटेन करें। काफ़ी लोगों को मालूम ही नहीं है कैसे मेंटेन करना है बैटरी को, ड्रोन की बैटरी को। और ड्रोन की कई प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि बैटरी हमारी स्वेल कर जाती है, तो हम क्या करें, ऐसा क्यों हो रहा है? तो इसका कुछ एक रीज़न है जो काफ़ी लोगों को अभी मालूम नहीं है, और कैसे मेंटेन करनी है बैटरी, कैसे आपकी बैटरी की लाइफ बना के रखनी है, तो वो सारा कुछ इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा, इंपॉर्टेंट टिप्स जो कि बहुत हेल्पफुल होने वाली हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल तो प्लीज़ सब्सक्राइब, वी हेयर गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट ड्रोन। हम यहाँ पर ड्रोन से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन, रूल्स, टिप्स सब देते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बताते हैं कि जब भी आपने देखा होगा, अगर आप इस तरह से करते हैं कि आपने ड्रोन की बैटरी कर ली चार्ज फुल 100% और फिर उसको उड़ाया, उड़ाने के बाद जब वो नीचे आता है तो डीजीए के ड्रोन्स तो इंडिकेशन देते हैं 30-40% पे आपको नीचे उतारना है। काफ़ी लोग क्या करते हैं कि वो जैसे मोस्टली वेडिंग फोटोग्राफर जैसे करते हैं, और अगर आप भी करते हैं तो नोटिस कीजिए कि वो चाहते हैं कि हम 5% बैटरी बेस को नीचे उतारेंगे। तो ये आपने कभी नहीं करा। दिस इज़ द मेजर रीज़न जो काफ़ी लोगों को नहीं मालूम है, वो करते हैं ये। और इससे करने से क्या होता है, आपकी बैटरी तबाह हो रही है। अगर वो बैटरी 10 साल चलनी थी या 6 साल चलनी थी या 4 साल चलनी थी, वो साल में ही आपकी बर्बाद हो जाएगी, स्वेलिंग होने लग जाएगी। होता क्या है, अगर आप उसकी लिमिट्स, जो लिमिट लगाई होती है उन्होंने 30-40% पे बैटरी इंडिकेटर की, भाई लो बैटरी है उसको नीचे उतार लो ड्रोन को, वो इसलिए लगाई गई है क्योंकि जो DJI की जो स्मार्ट बैटरीज होती हैं, ऐसे प्रोग्राम की जाती हैं कि 30-40% इज़ ए गुड स्टेज जहां उसको नीचे उतार लिया जाए ताकि बैटरी का टेम्परेचर ज़्यादा ऊँचा ना जाए। अगर आप उसको 5% तक खींच लेते हैं और बैकअप लेने के लिए, जैसे वेडिंग फोटोग्राफर्स मोस्टली करते हैं, अगर आप भी ये गलती कर रहे हैं तो बहुत गलत है। तो उससे होता क्या है कि ड्रोन की बैटरी ओवरहीट हो जाती है, उसको आप टच भी नहीं कर पाएंगे। और ये आप करते रहे रोज़ तो आपकी बैटरी धीरे धीरे स्वेल होने लग जाएगी। यही मेन रीज़न है कि आपकी बैटरी स्वेल क्यों करती है। तो क्या करें इसके बचने के लिए, इससे बचने के लिए सिंपल सा तरीका है कि जो वहाँ पर इंडिकेटर दिया गया होता है 40%, मेरे ख्याल सभी ड्रोन्स में DJI के प्रोग्राम होता है कि 40% पे लो बैटरी का साइन इंडिकेशन आ जाता है, बीप मारने लग जाता है रिमोट, तो उसको उतार लें। अगर ज़्यादा है तो आप उसको 30% पे सेट कर लें। 30% से नीचे मत लेके जाएं, 5% ये 10% ये आपके बैटरी को तबाह कर देंगे। तो ये पहला सलूशन था कि आपको बैटरी की लाइफ कैसे मेंटेन करनी है। आपको हमेशा बैटरी 30-40% पे जब आप ड्रोन उतना डिस्चार्ज हो गया तो उसको उतार लेना है। ये पहली टिप है, ऐसे कभी नहीं करना। नंबर टू ये होता है कि आपके पास अगर 3-4 बैटरी हैं, आप कहीं जा रहे हैं, मोस्टली ऐसे करते हैं लोग, सबका है कि हम पूरी फुल कर लें। सपोज़ आपका कहीं डेस्टिनेशन काफ़ी दूर है, सपोज़ आपने गोवा जाना है, काफ़ी मतलब बाई ट्रेन जा रहे हैं तो 2 दिन लग जाने या 1 दिन लग जाना है, और तो करते क्या, वो सारी बैटरी फुल 100% चार्ज कर ली और ले गए उसको पैक करके, और वहाँ जाके पहुँच गए, अब थका हुआ हूँ यार, कल ड्रोन उड़ाएंगे, तो 1 दिन का गैप पड़ गया। ये प्रैक्टिस बहुत गलत है। इससे क्या होता है कि आपकी बैटरी जो है ना, ये आपको बताएं कि जो ड्रोन्स की बैटरी होती हैं, प्रोग्राम होती हैं कि उसमें ऐसे करना चाहिए आपको, जैसे ही आपने ड्रोन उड़ाना है उसके 1-2-3 घंटे से पहले, 3-4 घंटे का मैक्सिमम टाइम है, उससे पहले आप उसको चार्ज करके रखें और 3-4 घंटे में उसको, उस बैटरी को डिस्चार्ज कर लें। अगर आपने ज़्यादा गैप डाल दिया, 3-4 घंटे से ज़्यादा डाल दिया, तो वो बैटरी अपने आप ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज होनी शुरू हो जाती है, ये प्रोग्राम्ड होता है उसमें। फिर आपको ना तो 100% बैकअप मिलेगा बैटरी का अगर आपने ज़्यादा डिले कर दिया। तो करें क्या, करें ये कि अगर आपको पता है कि आपको टाइम लगना है डेस्टिनेशन में पहुंचने में, तो आप पहले चार्ज करके मत चलें बैटरी। जब आप डेस्टिनेशन में पहुंच जाएं, वहां पर जाकर प्रॉपर डेस्टिनेशन में पहुंचने से पहले आप उसको चार्ज कर लें और फिर ड्रोन उड़ाएं, और फिर ड्रोन उड़ाने के बाद वही पहली टिप फॉलो करें, 30-40% पे उसको नीचे उतार लें। तो ये थी टिप नंबर टू। अब टिप नंबर थ्री ये है कि जैसे ही आपका ड्रोन नीचे आता है, आपने बैटरी उतारी, वो गर्म होती है, उसको ठंडी जगह पर जाकर, मतलब ठंडी का मतलब ये नहीं है फ्रिज में रख दें,
रूम टेम्परेचर पे उसको रखें थोड़ी देर, 15-20 मिनट रखें, उसके बाद ही उसको चार्जिंग पे लगाएं। इससे आपकी बैटरी की लाइफ मेंटेन रहेगी और वो स्वेलिंग जैसी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। अब नंबर फोर टिप ये है कि आपको कभी भी जब आपकी बैटरी का इंडिकेशन फुल आ गया है, 100%, पूरे चारों इंडिकेटर दिखा रहा है कि फुल्ली चार्ज हो गई है बैटरी, तब प्लीज़ उसको मेन जो आपने लगा रखा है सॉकेट में वहाँ से निकाल लें। कई लोग क्या करते हैं कि हाँ जी हमारी स्मार्ट बैटरी है, जितना चल रहा है ऑटो कट है, ऑटो कट होता भी है कई बार, लेकिन फिर भी ये कहा गया है, हर एक बैटरी पे एप्लीकेबल होता है, ड्रोन की बैटरी पे नहीं। अगर आपका ऑटोमेटिक है भी है तब भी आपको ध्यान रखना है बैटरी जब चार्ज हो गई है उसको वहाँ से निकाल लेना, ये भी आपकी बैटरी की मेंटेनेंस के लिए बहुत ज़रूरी है। तो बस ये चार टिप्स हैं आपको, ये अगर आप फॉलो करेंगे, जैसे आप डे वन को बैटरी लाए हैं न्यू, वैसी आपकी 3-4 साल आराम से निकालेगी बैटरी, और ये स्वेलिंग की प्रॉब्लम्स और ये बैटरी ख़राब होने की प्रॉब्लम्स और बैटरी बैकअप कम होने की प्रॉब्लम आपकी चली जाएगी। ड्रोन में ही नहीं, अगर ये चीज़ें आप बाकी चीज़ों में भी जो बैटरी से चलती हैं अपनाएंगे तो काफ़ी आपका हेल्प होगा। तो होप आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी और अच्छी लगी होगी, तो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, लाइक करने से हमारे को फ़ायदा होता है, यूट्यूब को लगता है कि अच्छा प्रोग्राम होगा। तो होप आपको पसंद आया होगा। थैंक यू, कीप शेयरिंग एंड हिट लाइक। जय माता दी।